in this topic we are discussing the mean vector of multivariate normal distribution previous lecture we have the pdf of multivariate normal distribution developed here or may have the mean of the multivariate normal distribution now we have the pdf of multivariate normal distribution which is equals to this pdf of multivariate distribution we have developed let sigma inverse equals to a सिग्मा इनवर्स विच इज इक्वल टू ए और ये हमारे पास क्या है दिस इज दॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसकी प्रॉपर्टी है देयर एग्जिस्ट अन सिंगुलर मैट्रिक सी सच दैट सी प्राइम ए सी विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मॉडलाइज अगर इसका लेंगे विच इज इक्वल टू वन नाउ लेट दिस पोर्शन लेट एक्स माइनस म्यू विच इज इक्वल्स टू सी सी ये हम क्या कर रहे हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड किया हमने उसको एक्स माइनस म्यू विच इज इक्वल्स टू सी जी और एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड की विच इज इक्वल्स टू सी जी प्लस म्यू आफ्टर द जिकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए जब हम उसके डेरेवेटिव लेते हैं तो जिकोबियन यूज़ करना है ना जिकोबियन विच इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ करली एक्स ओवर करली जी क्योंकि सेकेंड वेरिएबल जी है ना मॉड करली एक्स एक्स की वैल्यू एंटर की देन करली जी जी करली जी विद रिक्सपेक्ट टू जी हमने इसको डिफरेंशिएट किया जब विद रिक्सपेक्ट टू जी आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई है मॉड ऑफ सी डिटर्मिनेंट सेंस द मॉडल ऑफ सी प्राइम ए विच इज इक्वल टू वन सेपरेट कर दिया हमने इसके डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट सेपरेट होने के बाद विच इज इक्वल टू वन सी प्राइम सी सी स्क्वेयर ए एज इट इज इक्वल टू वन ए को हम इक्वालिटी के उस साइड पर लेके जाएंगे तो ये आपके पास माइनस वन के इक्वल हो गया सो so, इसका स्क्यर रूट लिया है जब हम इसका स्क्यर रूट ले रहे हैं तो मॉड ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू द डेंसिटी फंक्शन ऑफ जी अब डेंसिटी फंक्शन किसका है जी क्यों जी क्योंकि हमने वेरिएबल एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है जी में विच इज इक्वल्स टू दिस वन अब यहाँ पे था एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज तो एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई देखो एक्स माइनस म्यू सी वा सी जी सी जी हमने एंटर कर दिया ए अब ए किसके लिए हमारे पास आ गया वी नो दैट द सिग्मा इनवर्स विच इजल और ये आपके पास क्या हो गई इसकी वैल्यू हमारे पास इज इक्वल्स टू किसके इक्वल वी नो दैट द इजल एच इज इक्वल्स टू सिग्मा इनवर्स ये हमारे पास अब ट्रांसफॉर्म्ड पी डी एफ आ गया फर्दर अब इसको सॉल्व किया ये देखो माइनस सिग्मा इससे कैंसिल आउट हो गया टू पाई पी बाय टू एक्सपनेशियल ऑफ दिस वैल्यू अब ये आपके पास क्या है ट्रांसपोज ट्रांसपोज को कैसे लिखेंगे जी पहले ट्रांसपोज और सी प्राइम ट्रांसपोज ए सी जी अब वी नो दैट सी प्राइम ए सी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी इसको आइडेंटिटी में कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन बाई टू जी प्राइम जी फर्दर अब उसको आपने किसमें लिखा टू पाई माइनस पी बाय टू जी प्राइम जी को हमने लिख लिया है आई वेरीज सम आई वेरीज वन टू पी जी आई स्क्वेयर अब ये आपके पास पी टर्म्स हैं पी टर्म्स हैं तो हमने क्या किया क्यों मल्टीप्लाई हो रही ना पी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको ले लें प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट क्या है कैपिटल पाए आई वेरीज वन टू पी टू पाए अब पी के साथ है इसलिए यहाँ पे ये वन बाई टू आ गया ई रेस टू पार माइनस जी स्क्वेयर बाय टू मीन के लिए अब आपको पता है मीन हमने फाइंड करना है तो इट मीन्स के एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई ए कंपोनेंट ऑफ जी इज अब हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए आपके पास क्या है लिमिट आई माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी अपन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्योंकि मल्टीवेरिएट केस है जी आई सिंपल आपके पास यूनिवेरियट में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी क्या होती है सम यूनिट इन इट्स प्रॉबिलिटी सिमिलरली यूनिट इंटू इट्स प्रॉबिलिटी तो क्या है यूनिट हमारे पास जी आई इंटू एफ ऑफ जी ये कंटीन्यूस केस है यह आपके पास डिस्क्रीट में था और ये कंटीन्यूस में आ रहा है फर्दर जी आई एज इट इज एफ ऑफ जी यहाँ पर हमारे फाइंड किया हुआ है एफ ऑफ जी हमने यहाँ एंटर कर दिया है यह आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई सिंप्लीफाई हो रहा Just value center है जस्ट हमने वैल्यूज एंटर किए अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर आप देखो कि हमने क्या किया है यहाँ आयत टर्म को हमने अलग किया है और रिमेनिंग टर्म्स को हम अलग कर रहे हैं माइन माँग, इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू तो इनफिनिटी जी आई और जी आई के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने इंटीग्रल से एक इंटीग्रल से हमने बाहर कर लिया और रिमेनिंग वैल्यूज दूसरे इंटीग्रल में आ रही हैं तो जी आई आयत यूनिट हमने ले लिया ये वैल्यू यहाँ पर आ गई इंटू जी आई आयत वैल्यूज अलग अब ये पा आई है अब इसके अंदर आई आए नहीं आएगा आई के अलावा रिमेनिंग वैल्यूज़ आ रही हैं तो कैपिटल पाए नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल क्या है एज वेरियस वन टू पी बट एज इज़ नॉट इक्वल्स टू आई क्योंकि आई एस वैल्यूज़ तो हमने ले ली हैं तो यहाँ पे आपके पास अब रिमेनिंग वैल्यूज़ आ रही हैं एज वेरियस वन टू पी इंटीग्रल माइनस इन्फिनी टू इन्फिनीटी तो ये आपके पास सारा एज इट इज़ है बट यहाँ पे वेरिएबल अब आई की जगह आ गया फर्दर वी नो दैट कि इस पार्ट को अब हमने सॉल्व करना है और इस पार्ट की हमारे पास क्या आंसर आ रहा है फर्दर हमने इसको जस्ट यहाँ पे क्या किया है कि टू पाई माइनस वन बाई टू है उसको इस इंटीग्रल से हमने बाहर कर लिया तो टू पाई स्क्वेयर रूट जी आई इन टू दिस बाकी रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास इसी तरह ही है तो ये आई इक्वल्स टू वन नहीं है ये बेसिकली एच इक्वल्स टू वन और एच इज नॉट इक्वल्स टू आई है नो हेयर वी नो दैट This factor, odd power है ना इसकी इज एन ऑट फंक्शन ऑफ जी इज इक्वल्स टू जीरो वी नो दैट हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज की हुई है कि ऑर्ड फंक्शन हमारे पास जो है वो जीरो के इक्वल होता है तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है आपके पास प्रीवियस इक्वेशन का ये देखो ये ये ऑर्ड फंक्शन है तो ऑर्ड फंक्शन ऑफ जी इज इक्वल्स टू जीरो यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी का फर्स्ट पार्ट का आंसर जीरो मल्टीप्लाई ये डॉट हमारे पास बेसिकली क्या है मल्टीप्लाई ऑफ द अदर वैल्यू तो जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा विच इज इक्वल्स टू जीरो सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई विच इज इक्वल्स टू जीरो हैं इंस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी भी ज़ीरो होनी चाहिए नाउ वी हैव एक्स माइनस म्यू इक्वल्स टू सी सी ये हमने ट्रांसफॉर्म जो हमने लेट किया हुआ था सपोजिशन की थी सो अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड ठीक है एक्सपेक्टेशन अपलाई की है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये तो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट की एक्सपेक्टेशन कॉन्स्टेंट की इक्वल होती है सो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास अप्लाई होगी एक्स में और यहाँ पर आपके पास सी कॉन्सटेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होगी जी पे सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी जी आई जीरो है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी भी हमारे पास बेसिकली ज़ीरो है फर्दर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज़ माइनस म्यू विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो क्योंकि ये फैक्टर तो ज़ीरो हो गया अब ये जीरो है तो ये म्यू आपके पास इक्वालिटी किधर आ जाएगा Now hence proved expected value of x which is equals to mu. So the multivariate mean vector of multivariate normal distribution have determined expected value of x which is equals to mu.